एक विधायक जो अपनी जनता की परेशानी को सुनकर मर्माहत हो जाता है, एक विधायक जिसे गुड्डा का बेटा कहा जाता है, दूर होकर भी घटना बताते हुए फपक पड़े। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव की। यह एक ऐसे विधायक है जो दूर होकर भी जनता के बारे में सोचने को नहीं थकते। आपको बता दें, इन दिनों विधायक जी गुड्डा से बाहर है और कई क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में पुड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव आज रांची से अपने सोशल मीडिया पर लाइव आकर बताया, कॉलेज की लापरवाही के कारण हमारी बेटी के साथ आज ऐसा हुआ। इस पर प्रदीप यादव ने कहा कि हम आपकी बेटी को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन जल्द से जल्द गुड्डा की बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। आइए सुनते हैं प्रदीप यादव की पूरी बात। जब हम अपने व्हाट्सएप को देख रहे थे, अचानक लगभग 11 बजे व्हाट्सएप पर एक समाचार देखने को मिला है कि पतरातू डैम में एक तैरता हुआ लाश मिला है और उस लाश की पहचान की गई है। वह MBBS की छात्रा है और गोड्डा की रहने वाली है। कोई भी व्यक्ति जिसे थोड़ी भी समाज की चिंता हो, आम जनों की चिंता होती है, इस प्रकार का समाचार देख करके एक क्षण तो वह स्तब्ध हो जाता है। वैसा मैं भी हुआ। ठीक उसके 2 घंटे बाद मोबाइल पर एक फोन आया और वो परिचित नंबर था जो मेरा कलीग है, मेरे साथ काफी दिनों से राजनीति में समाज में काम किया है, विद्या जी का। उन्होंने कहा कि मेरी भतीजी ही है, वो पूर्वे जी की लड़की है, जिस प्रकार हुआ है उसके पोस्टमार्टम में रामगढ़ में देरी हो रही है। उस समय तो और थोड़ा मन दुखी हुआ। फिर हमने कहा कि मैं DC से SP से बात करता हूं और हमने तुरंत DC SP से बात की और SP और DC ने यह बताया कि एक बोर्ड का गठन हुआ है, इसलिए थोड़ी देरी हुई है मेडिकल जांच में। फिर हमने पूरी बात से उनको अवगत कराया। फिर DC SP ने विनम्रता से कहा कि सर, हम सब लगे हुए हैं, कोई तकलीफ नहीं होगा, एक एक चीज पर हम सब अपनी नजर रखे हुए हैं। फिर कल जब मैं दिल्ली से शाम को रांची लौटा लगभग 8 बजे, मेरे मन में चिंता थी। हमने स्वयं DGP से और फिर स्थानीय वहां के जो रामगढ़ के SP है, फिर गुड्डा के SP, सबसे हमने बात की। और खुद DGP साहब ने कहा कि भाई, हमने 7 टीमों को लगा के रखा है, खुद मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूं ताकि इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया जा सके, सच को सामने लाया जा सके, दोषी तक हम लोग पहुंच पाए। और बड़ी गंभीरता से हम सबों ने इस चुनौती समझा, अपने आप को चुनौती के रूप में से लिया है और हम सब लगे हुए। और आज मैंने फिर सुबह विद्या जी से, फिर उसी के फोन से पूर्वे जी से, उनके मैंने पूजा भारती के पिताजी से पूरी बात की। विचारे का इतना जरूर तकलीफ था कि या तो हम लौटा नहीं सकते, कोई मुझे लौटा के नहीं दे सकता, हमने तो सर्वस्व खो दिया है,
सच भी यही है, लेकिन उस बिंदु को कोई देख नहीं रहा है कि कॉलेज की लापरवाही रही, कि क्योंकि कॉलेज मेडिकल कॉलेज में उनकी जिस शिक्षक से भेंट हुई थी उसी शिक्षक ने उसकी परीक्षा ली, अगर उसी समय उसकी खोजबीन हो जाती तो मेरी बेटी की जान बच जाती। ये वाक्य थे उनके, ये शब्द थे उनके। हमने इस बात से भी जांच टीम को अवगत कराया और कल प्रयास करूंगा कि मुख्यमंत्री जी से मिलो। आज मैंने कहा है कि इस बिंदु पर कल मुख्यमंत्री से मिलेंगे। पूरा गोड्डा ही नहीं, पूरा राज्य, सब लोग स्तब्ध है, सब लोग पूजा भारती को न्याय दिलाना चाहता है। सरकार भी हमें लगता है उतनी ही गंभीरता से सरकार ने भी ली है, प्रशासन ने भी लिया है। लेकिन इस प्रकार की घटना सबको चिंता में डाल देता है कि भाई इस प्रकार की घटना समाज के लिए, हम सबों के लिए, एक एक लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। और ये केवल झारखंड ही नहीं, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति पूरे देश में हो रही है। और हम सबको मिलकर के इस पर चिंता करनी होगी कि यह घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और इस घटना पर तो दोषी को सजा मिले, कठोर सजा मिली, उसके सारे लोग पक्षधर होंगे। हमें नहीं लगता कि कोई इससे डिनाय करेगा। डीजीपी ने तो यहां तक कहा, जो कल मेरी बात हो रही थी, कि हम सब तो उसके अंतिम बिंदु तक जाने का प्रयास करेंगे, सच में दोषी कौन है उसे निकालने का प्रयास करेंगे। घटना और जो पर्दा अभी तक है उस पर्दे को उठाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर उससे भी संतुष्ट ना हो परिवार चाहे तो हम इसे सीबीआई जांच देने में भी नहीं हिचकेंगे। इन वाक्यों से लगता है कि न प्रशासन भी जितना हम सब सीरियस है उतनी सरकार भी सीरियस है, गंभीर है, प्रशासन भी उतनी ही गंभीर है। और जल्दी ही पूरी घटना, सच क्या है, सामने आ जाएगा। और मैं प्रयास करता हूं कि जल्दी यह परिवार तो काफी दुखी है, पूरा उसके साथ, पूरा गुड्डा, पूरा झारखंड दुखी है, हम सब तो अभी चिंता ही कर सकते हैं, लेकिन सच में जो परिवार का बोझ है उस बोझ को तो हम सब हल्का नहीं कर सकते। इन सारी चीजों को तो ऊपर वाला ही कर सकता है। बस इस दुख की घड़ी में भगवान से इतना ही प्रार्थना होगा कि भगवान उस परिवार को संबल दे और जल्दी न्याय मिले, प्रशासन को उस दिशा में सफलता दे ताकि इस घटना से पर्दा हट सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।